अब गाइस बीजीएमआई के आई इन गेम नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा है कि 8 अगस्त से पहले वो सारी चीजें यूज कर लेनी है जो इस आरपी के लिए वैलिड हैं, जैसे कि आरपी के पॉइंट्स, आरपी के क्रेटेस, आरपी के बेजेस, तो वो सारी चीजें यूज कर लेना क्योंकि 9 अगस्त को अपडेट रोल आउट होने वाला है। अब गाइस कौन सा अपडेट रहेगा तो मैं आपको बता दूं, ड्रैगन बॉल जी वाला मोड आने वाला है और उस अपडेट का नाम है 2.7 अपडेट। एंड इसी के साथ A1 यानी कि न्यू आरपी सीरीज आने वाली है। भाई फाइनली एम सीरीज का एंड हुआ, अब ए वाली सीरीज स्टार्ट होगी एंड इसके अंदर तगड़े तगड़े चेंजेस किए जाएंगे। ऐसे टॉप 10 चेंजेस जो बड़े बड़े हैं, जो आपको किसी ने नहीं बताया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा चेंजेस गाइज, ये वाला आरपी 2 महीना चलने वाला है। जैसे कि आपको पता है एम वाला आरपी बस 1 महीना ही चलता था, अब गाइज ऐसा क्यों, तो फाइनली गेम के अंदर आ चुका है 1 to 100 आरपी वाला कंसेप्ट। गाइज थोड़ी प्राइस भी बढ़ जाएगी, इस आरपी की कितनी प्राइस रहने वाली है वो तो आपको अभी जानने को मिल जाएगा। उससे पहले दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस गाइज, जैसे कि आपको पता है आरपी के साथ आरपी एडवेंचर स्पिन आता था जिसमें अपन को डब्बे मिलते थे, अब उन डब्बों को कलेक्ट करके रिडीम सेक्शन से कुछ आउटफिट्स, कुछ गन स्किन या फिर कुछ भी जो आता था वो रिडीम करते थे। बट फाइनली भाई इस चीज को भी रिमूव किया जाएगा नेक्स्ट आरपी से, यानी कि रॉयल एडवेंचर स्पिन अब नहीं आएगा। अब गाइस ऐसा क्यों, तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग चीज छुपी हुई है, अब वो क्या है अभी आपको जानने को मिल जाएगी, उसकी जगह एक बड़ी चीज ऐड होने वाली है। तीसरा सबसे बड़ा चेंजेस गाइस, अब आने वाली हर एक रॉयल पास में 50 आरपी पे अपग्रेडेबल स्किन ऐड होने वाली है। गाइस यहां पे आप देखो A1 आरपी के अंदर ये मचेटे की प्यारी सी स्किन ऐड होने वाली है एंड इसे आप बिल्कुल फ्री में अपग्रेड कर सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो। एंड उसी के अलावा A2 आरपी के अंदर UMP45 का स्किन ऐड होने वाला है 50 आरपी पे, अब इसको भी आप बिल्कुल फ्री में अपग्रेड कर पाओगे। अब ऐसा क्यों, तो वो भी आपको जानने को अभी मिल जाएगा। चौथा सबसे बड़ा चेंजेस गाइस, आने वाली हर एक रॉयल पास में 70 आरपी पे आपको व्हीकल स्किन देखने को मिलेगी, ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है एंड इस चीज पे लाइक ठोकना बनता है गाइस। A1 के अंदर यहां पे आप देख सकती हो ये त्रिपला की स्किन ऐड होने वाली है एंड A2 आरपी के अंदर ये चीज देख सकती हो बग्घी की स्किन ऐड होने वाली है। गाइस पांचवी सबसे बड़ी चीज ऐड होने वाली है आरपी के अंदर, जिसका नाम है मिथिक एम्ब्लेम फ्रेगमेंट, जिसे आप मिनी क्रिस्टल भी बोल सकते हो। अब गाइस ये एक रॉयल पास के अंदर 5 देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहला तो 12 आरपी पे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद 25 आरपी पे, उसके बाद 45 आरपी पे, उसके बाद 75 आरपी पे एंड फाइनली 95 आरपी पे 5वां देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको ज्यादा चाहिए तो शॉप वाले सेक्शन के अंदर भी यहां पे आप देख सकते हो आपको 42 यूसी के अंदर रैंडमली कुछ भी देखने को मिल सकता है 1 to 10 मिनी क्रिस्टल्स के अंदर। उसी के अलावा आपको कई सारे क्रेट के भी अंदर ये वाली चीज देखने को मिल जाएगी। अब गाइस इसका यूज क्या है वो भी आप देख लो, अगर आपके पास ऐसे मिनी क्रिस्टल 30 हो जाते हैं तो आप एक बड़ा क्रिस्टल बना सकते हो। अब गाइस ये बड़ा क्रिस्टल कहां पे यूज होगा, तो इसके लिए 2 महीने के अंदर एक बार ये वाली स्पिन आएगी जिसका नाम है मिथिक फोर्ज। अब इसके रिडीम सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो अगर आपके पास 10 ऐसे बड़े वाले क्रिस्टल्स हैं तो भाई इसे आप ये वाली मिथिक सेट रिडीम कर सकते हो। बाकी यहां पे आप दूसरी मिथिक सेट के भी प्राइस देख सकते हो, 10 ही क्रिस्टल्स हैं, बाकी 5 किए, कुछ 9 किए एंड नीचे कुछ लेजेंडरी एंड एपिक चीजें वो आपको एक एक के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब जिनका भी मिथिक फैशन नहीं हुआ है तो भाई हो जाएगा ये वाली चीज आने के बाद जल्दी। अब गाइस इस आरपी के अंदर सबसे बड़ी चीज ऐड होने वाली है जिसका नाम है मिनी मटेरियल्स। अब ये टोटल एक आरपी के अंदर 7 देखने को मिल जाएंगे। पहला आपको सेकंड आरपी पे देखने को मिल जाएगा, दूसरा 35 आरपी पे देखने को मिल जाएगा, तीसरा 51 आरपी पे देखने को मिल जाएगा, चौथा 68 आरपी पे देखने को मिल जाएगा एंड पांचवा 85 आरपी पे देखने को मिल जाएगा। अब गाइस दूसरे 2 आपको यहां पे रिडीम सेक्शन के अंदर 240 आरपी पॉइंट्स पे देखने को मिल जाएंगे, जो हर आरपी के अंदर आप 2 ले सकते हो। गाइस टोटल 7 हुए एंड जैसे ही आपके पास 10 ऐसे मिनी मटेरियल्स हो जाते हैं जिसे आप एक बड़ा ओरिजिनल जो मटेरियल होता है वो बना सकते हो, जिसे गाइस आप कोई भी अपग्रेडेबल गन स्किन को अपग्रेड कर सकते हो। गाइस एक आरपी के अंदर आप एक मटेरियल इजीली निकाल सकते हो। जी बिल्कुल मेरे भाई, आप बोलोगे कि भाई 7 ही होते हैं आरपी के अंदर तो 10 कैसे होंगे, तो भाई मैं आपको बता दूं अपन के नेक्स्ट आने वाले क्लासिक एंड प्रीमियम क्रेट के भी अंदर ये वाले मिनी मटेरियल एपिक कैटेगरी के अंदर ऐड हो जाएंगे। एंड जैसे कि आपको पता है एपिक कैटेगरी के चांसेस कितने होते हैं मिलने के, तो भाई अपन को वहां से भी कुछ मिल जाएंगे जिससे अपन का एक आरपी के अंदर एक मटेरियल तो पक्का हो जाएगा। 7 सबसे बड़ा चेंजेस है भाई, कलर कार्ड ऐड होने वाले हैं आरपी के अंदर। गाइस सब
अभी फ्री में मिलने वाले हैं और टोटल एक आरपी के अंदर 4 एड होंगे। सबसे पहला तो 30 आरपी पे, उसके बाद एड होने वाला है 45 आरपी पे एंड नेक्स्ट डे 75 आरपी पे एंड उसके बाद चौथा है 95 आरपी पे। अब गाइस यहां पे इसका यूज कैसे होगा, तो आपके पास लास्ट यानी कि 100 आरपी पे ये वाला सेट मिलेगा, उसमें खास चीज ये एड होगी कि इसमें रीकलर का बटन देखने को मिल जाएगा एंड रीकलर पे जैसे ही आप टैप करोगे तो भाई ये चीज देखो, जो आपको कलर कार्ड मिले ना इनका यूज यहां पे होता है, मतलब जो आपका सेट होगा अपने हिसाब से कलर कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो लाइन को बड़ा घटा सकते हो, बस आप सेव कर दोगे एक बार तो आपका एक वो कलर कार्ड यूज होने वाला है। मतलब गाइस आप एक आरपी के अंदर 4 बार इस सेट का कलर चेंज कर सकते हो एंड अगर आपको ज्यादा बार करना है तो गाइस यहां पे आप देखो रिडीम सेक्शन के अंदर आरपी के पॉइंट से भी अपन को ये कलर कार्ड देखने को मिल रहे हैं। अब गाइस जो आरपी एडवेंचर का स्पिन रिमूव हुआ है तो वो इसी के चलते हुआ है, क्योंकि आपके पास आरपी के पॉइंट्स बचेंगे ही नहीं जिससे आप वो स्पिन कर पाओगे, क्योंकि आप तो मिनी मटेरियल लोगे एंड उसके बाद आप तो ये कलर कार्ड लेने वाले हो, तो भाई क्या फायदा उस आरपी एडवेंचर स्पिन ऐड करने का, इसी के चलते उन्होंने रिमूव किया है। नंबर 8 गाइस न्यू व्हीकल स्किन्स ऐड होने वाली है आरपी के रिडीम सेक्शन के अंदर। ये चीज देखो बाइसाइकिल की स्किन ऐड होने वाली है जो आप 300 यूसी में ले सकते हो एंड उसी के अलावा टैंक जो पेलोड के अंदर आता है उसको भी आप यूसी से ले सकते हो, तो भाई ये भी एक बड़ा चेंजेस है। मतलब जो चीजें वो क्रेट वगैरह में नहीं डाल सकते हैं वो आपको यहां पे दे देंगे। 9th सबसे बड़ा चेंजेस गाइस, आरपी का प्राइस चेंज हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है। जैसे कि आपको पता है पहले जब 1-100 आरपी वाला कंसेप्ट था तब अपन को आरपी 600 यूसी के अंदर मिल जाती थी, बट अगर आप इस बार डायरेक्ट 100 आरपी लेना चाहोगे तो आपको 720 यूसी पे करने पड़ेंगे जिससे आपकी डायरेक्ट 100 आरपी अनलॉक हो जाएगी। अब ये डायरेक्ट वाली चीज में क्यों बोल रहा हूं, तो गाइस सबसे बड़ा एंड 10वां चेंजेस भी ये है कि भाई आप बीच में आधा आरपी भी ले सकते हो और ये बहुत अच्छी चीज लगी, क्योंकि ये वाला आरपी कम दाम यानी कि आधे दाम में आप पूरा ले सकते हो। गाइस यहां पे आप देखो अगर आपके पास बस 360 यूसी है तो आप पहले 50 आरपी परचेस करना, यहां पे आप देखो जिसे आपकी 50 आरपी ही अनलॉक होगी। अब जैसे ही आप 50 आरपी के सारे मिशंस कंप्लीट कर लोगे तो आपको यूसी रिटर्न मिल जाएगी जो 360 डाली वो, तो इसे आप दूसरे 50-100 आरपी ले सकते हो। ज्यादा अंतर गाइस सच में कुछ नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप 50 आरपी पे पहुंचोगे तो आपके यूसी रिटर्न मिल जाएंगे और उन यूसी से आप दूसरा 50-100 आरपी ले लेना, तो पता तो किसी को नहीं चलने वाला। एंड गाइस अगर आपके पास आरपी लेने के लिए यूसी नहीं है तो भाई ये वाला जो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है उसमें मैंने क्रेट ओपनिंग भी की है और कैसे आपको यूसी बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं, मतलब 100% वर्किंग चीज बताइए। स्क्रीन पे दिख रहा है इस वाले वीडियो पे टैप कीजिए, वीडियो ओपन हो जाएगा, तो भाई देखो स्क्रीन पर इस वाली वीडियो को।